जय श्री राम दोस्तों, त्रेता युग की तरह सच चुकी है अयोध्या। जो आज भी राम नाम ना लिखे कमेंट में, जय श्री राम ना लिखे, उससे अभागा कोई भी नहीं। आज मैं आपको पूरा अयोध्या घुमाऊंगा और ऐसा नजारा देखेगा, देख करके दिल खुश हो जाएगा आपका। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। त्रेता में आज अयोध्या हो चुकी है। जब आप यहाँ का नजारा देखेंगे तो आज आपका दिल खुश हो जाएगा और अपने आप को जय श्री राम लिखने से रोक नहीं पाएंगे। मैं आपको अंदर ले जाऊंगा और अद्भुत यहाँ का नजारा दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल त्रेता में हो चुकी है अयोध्या। यहाँ का इतना बड़ा पुण्य लाभ है, मैं आपको बता दूं, जो दर्शन कर लेता है उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। आज मैं आपको 108 कुंडीय यज्ञ दिखाऊंगा और त्रेता युग जैसा यहाँ का नजारा दिखाऊंगा। कैसा यहाँ का नजारा हो रखा है आपको दिखाऊंगा। आप जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ में और जय श्री राम मिलते रहेगा। मैं आपको पूरा यहाँ का विहंगम दृश्य दिखाऊंगा और बताऊंगा मैं आपको किस जगह पर लेकर के आया हूँ। देख सकते हैं त्रेता में हमारा अयोध्या हो चुका है। रामलला की खुशी में कितनी बड़ी खुशी मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं जैसे त्रेता युग में हुआ करता था हमारा अयोध्या, उसी तरीके से हमारा अयोध्या इस टाइम हो रखा है। दोस्तों आप आज जय श्री राम लिखना ना भूलें। आपसे निवेदन करूंगा पहले वीडियो में कि आप जय श्री राम लिखें और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि जन जन यह देख सके कि राम लला की खुशी में कितना भव्य सजाया जा रहा है अयोध्या को। देख सकते हैं इतनी बड़ी खुशी है, इतनी बड़ी खुशी है, बता नहीं सकते। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम यहाँ पर रहते हैं और आपको बताते हैं, आपको दिखाते हैं। आपका इतना तो फर्ज बनता है, आप इस वीडियो को भर भर के शेयर करें। मैं इतनी आपको चीख चीख के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर माइक बहुत ज्यादा है। आज मैं आपको राम भद्राचार्य जी के 1008 कुंडी यज्ञ में लेकर के आऊँ जहाँ पर सजाया गया है त्रेता युग की तरह। बिल्कुल यहाँ का नजारा आप देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा। आप दर्शन करिएगा, जय श्री राम लिखिएगा जितना हो सके कमेंट बॉक्स में। मैं आपको यहाँ का दर्शन करा देता हूँ। बहुत ही अद्भुत यहाँ का नजारा हो रखा है, आप देखिएगा। त्रेता युग की तरह बिल्कुल सजाई गई हमारी अयोध्या। श्री रामचंद्र भगवान और सीता और हनुमान जी के दर्शन करिए, फिर श्री रामचंद्र भगवान के दर्शन करिए। देखिए मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, लाइव अब दर्शन करते रहिएगा। मैं आपको पूरा यहाँ का नजारा दिखाऊंगा और 1000 कुंडी यज्ञ पर भी आपको ले जाऊंगा दर्शन कराने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शन का लाभ उठा सकें। देखिएगा कितना भव्य में यहाँ का नजारा हो रखा है। और मैं आपको पूरा यहाँ का पंडाल दिखाऊंगा जिसमें 40,000 संत आएंगे। आपको बता दूं 40,000 संत यहाँ पर आएंगे और सीताराम नाम का भी जब यहाँ पर लगातार चल रहा है और यज्ञ चल रहा है। मैं आपको यज्ञ की तरफ भी ले जाऊंगा, उधर साइड यज्ञ है। आप वीडियो को शेयर करते जाइएगा, जय श्री राम लिखते जाइएगा। मैं आपको यहाँ का भव्यमय नजारा दिखा रहा हूँ, कितना भव्यमय नजारा हो रखा है। आपको भी इसका पुण्य लाभ जरूर मिलेगा। घर बैठे आप वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। आज इस वीडियो पे कम से कम 50,000 जय श्री राम कमेंट चाहिए। आपसे निवेदन है आप वीडियो देखते जाएं, जय श्री राम लिख जाएं कमेंट में। आप देख सकते हैं त्रेता युग की तरह बिल्कुल नजारा दिखा रहा हूँ, कितना भव्य में यहाँ का नजारा है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही त्रेता युग में श्री रामचंद्र भगवान आए थे, तब हनुमान जी देखिए, ये वानर सेना देखिए, देख सकते हैं साथ में। बहुत ही भव्य में यहाँ का नजारा, बहुत ही अद्भुत। ये देखिए पूरा मैं आपको दिखाऊंगा, घुमाऊंगा, आप बने रहे मेरे साथ में। जय श्री राम लिख जाए और कमेंट में जितना हो सके हाजिरी लगाएं अपनी। ये देखिए यहाँ पर कितना अद्भुत तरीके सजाया गया है। अब मैं आपको ले चलता हूँ हवन कुंड की तरफ, जहाँ पर हवन हो रहा है उस तरफ मैं आपको ले जाऊंगा। ये देखिए राम मंदिर का स्टैचू दिखा देता हूँ, जो राम मंदिर हमारा होगा इस तरीके का होगा। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए आप दर्शन करते आइएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये राम मंदिर की तस्वीर उकेरी गई है। यहाँ पर ऐसा होगा कुछ हमारा राम मंदिर। सभी से निवेदन आप कमेंट में जय श्री राम लिखते हैं और वीडियो को भी अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करें। ये देखिएगा इस तरीके का हमारा राम मंदिर होगा। ये देखिए ये राम भद्राचार्य जी का यज्ञ यहाँ पर चल रहा है, आपको बता दें। और ये ध्वजा फहरा रही है यहाँ पर और मैं आपको ले जाऊंगा अब यज्ञ की तरफ ले जाता हूँ। यज्ञ किस तरीके से चल रहा है आप देखिएगा, पूरा यहाँ का पंडाल। ये देखिए हमारी मीडिया भी लगी हुई है यहाँ पर जगह जगह पर, आप देखेंगे यहाँ पर दीपों से भी सजाया गया है। ये देखिए ये अयोध्या, जय श्री राम अयोध्या लिखा हुआ है, दीपोत्सव भी यहाँ पर चल रहा है लगातार। देखिए मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आपको पता नहीं। अब मैं आपको हवन कुंड की तरफ ले चलता हूँ जहाँ हवन कुंड हो रहा है। 1008 यज्ञ हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, जो कि अयोध्या में विश्व का सबसे बड़ा यज्ञ बताया जा रहा है। आप बने रहे मेरे साथ में, जय श्री राम लिखते जाए जितने भक्त हैं
मैं आपको यहाँ का अद्भुत भी दर्शन कराऊंगा। ये देखिए, ये दर्शन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं मेरे साथ में। कितना दिव्य यहाँ का नजारा हो रहा है। आप पताका के दर्शन करें, ये देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए, दर्शन आप करिए हमारे साथ में। बहुत ही अद्भुत यहाँ का नजारा। आप सोच सकते हैं 1008 ब्राह्मण अंदर बैठे हैं और यज्ञ करा रहे हैं। बहुत ही सुंदर दिव्य में यहाँ का नजारा। ये देखिए, अंदर यज्ञ चल रहा है 1008 कुंडिये। ब्राह्मण किस तरीके से श्री राम नाम की गुंजायमान हो उठाए पूरा अयोध्या। ये देखिए, बहुत ही अद्भुत यहाँ का नजारा। मैं आपको राम भद्राचार्य जी के पंडाल से लाए दर्शन करा रहा हूँ। ये देखिए, पूरा यहाँ का नजारा देखिए। ये देखिए, बहुत ही अद्भुत। जय श्री राम लिखिएगा जितने भक्त हैं यहाँ पर। बहुत ही सुंदर देखिए, पूरा यहाँ पर मैं आपको अंदर जाके भी दर्शन करा देता हूँ। ये देखेंगे, आप दर्शन करेंगे। ये देखिए, ब्राह्मण देवताओं के दर्शन करिए। 1000 पंडित यहाँ पर बैठे हुए और यज्ञ कर रहे हैं। लगातार जा रही है। देखिए देखिए, बहुत ही अद्भुत दृश्य यहाँ का हो रखा है। आप देखेंगे, सिक्योरिटी यहाँ पर लगी हुई है लगातार। आप देखेंगे, ये यहाँ का नजारा। ओम गणेशाय, ओम गण सेविताय, ओम कर्माध्यक्षाय। जगह जगह पर उत्साह वर्धन हो रहा है यहाँ पर। और जय श्री राम का गुंजायमान। और जहाँ पर जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, हवन ही कुंड, हवन कुंड आपको दिखेंगे यहाँ पर। ये देखिए, बहुत ही सुंदर यहाँ का नजारा देखेंगे तो। देखिए, बहुत ही सुंदर। जय सियाराम, जय सियाराम। हाँ, वृंदावन से। बस हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लाइव चल रहा। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। अभी तो हम राम की पैड़ी रुके। हाँ, नंबर थोड़ा लाइव चल रहा है, इसमें चला जाएगा सब। हमारे पंडित जी मिले हैं, आप देखना आज लाइव चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो ठीक ठीक अब मिलते हैं बाद में। तो दोस्तों, हाँ, व्हाट्सअप होगा ना, प्यासी अठारह वाला होगा ना। हाँ हाँ, बोल दिया व्हाट्सअप। तो दोस्तों, आज बड़ा ही सौभाग्य मिला कि हमने दर्शन किया। और आप ध्वजा के भी दर्शन करिए। बताते हैं, जो ध्वजा का दर्शन कर लेता है उसको यज्ञ करने का भी पूरा फल मिलता है। मैं आपको ध्वजा के दर्शन करा रहा हूँ। और जो भक्त ध्वजा का भी दर्शन कर लेता है उसको फल मिल जाता है, ऐसा बताया जाता है यज्ञ का। आप ध्वजा को प्रणाम करें, नमन करें, वंदन करें और भगवान यज्ञ नारायण से यही कहें, हे यज्ञ नारायण भगवान, अपने शरण में लगाए रखना, हमारे पापों को नाश करना। बहुत ही अद्भुत यहाँ का भयंगम दृश्य आप देखें। आज अयोध्या आया था दर्शन कर लेके, कई दिन से मैं लगातार अयोध्या हूँ। पता नहीं मेरी आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे पास माइक अभी इस टाइम है नहीं। तो मैंने सोचा आपको दर्शन करा देते हैं और बने रहिए हमारे साथ में। भयंगम दृश्य यहाँ का दर्शन करिए आप सभी। बहुत ही सुंदर यहाँ का नजारा। देखिए, लोग परिक्रमा भी कर रहे हैं यहाँ पर। और यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा का बड़ा ही फल मिलता है बताते हैं। और ये तो 1008 यज्ञ हो रहे हैं यहाँ पर, तो कितना बड़ा फल होगा। आप देखिए, पूरे विशाल काय में फैला हुआ ये यज्ञ नारायण भगवान का मंदिर है। तो दोस्तों, यहाँ पर किया गया है, सिक्योरिटी लगाई गई है।
यहाँ का आप नजारा देख सकते हैं, कितना भव्य में नजारा हो रहा है। दोस्तों हम आपसे विदा चाहते हैं सभी को।